मेरा नाम है मनजीत सिंह और आप देख रहे हैं ट्रैवल वेल हेल्पलाइन। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों का सपना विदेश जाने का है पर उनका बजट बहुत ही कम है, तो ये मेरा वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो कम बजट में विदेश जाने का सपना देख रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें। और आज हम जिस वीज़े की बात कर रहे हैं वो वीज़ा है टर्की वीज़ा। सो जैसे कि आपको पता है, टर्की आजकल जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं उसको लगभग 2 साल का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो इशू कर रहा है। बहुत सारे केसेस में 2-2 साल के वीज़े लगकर आ रहे हैं और इसमें खर्चा जो है वो भी बिल्कुल कम है। और जो टर्की है वो आपकी एक सीढ़ी भी हो सकती है, शेनेगन एरिया यानी कि यूरोप शेनेगन एरिया जो है उसके अंदर जाने का जो आपका सपना है, ये टर्की वीज़ा जो है ये उसकी एक सीढ़ी भी हो सकती है। यानी कि फर्स्ट स्टेप आपका टर्की हो सकता है, उसके बाद वहाँ से अगर आप लीगली तौर पे देखें तो आप वहाँ से शेनेगन भी मूव हो सकते हैं। बट वो हम बात वीडियो के आखिर में करेंगे कि कैसे आप टर्की से शेनेगन मूव हो सकते हैं। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये बेसिकली मैं टर्की टूरिस्ट वीज़े के ऊपर बात कर रहा हूँ। सो इंडियन पासपोर्ट होल्डर को टर्की जो है वो 2 साल का वीज़ा इशू कर रहा है। तो टर्की वीज़ा अप्लाई करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके अंदर रिक्वायर होंगे, यही सारी बातें आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं टर्की टूरिस्ट वीज़ा फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर। तो अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और आपने टर्की का जो स्टिकर वीज़ा है वो लेना है, तो सबसे पहले आपके पासपोर्ट में कम से कम 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। उसके बाद हम अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, कम से कम 2 लाख रुपए की जो बैंक स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास 2 साल की ITR होनी चाहिए। इसमें ITR का कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आप नील की ITR भरते हैं या टैक्स भरते हैं, आपके पास ITR होनी चाहिए। अगर आपके पास ITR नहीं भी है तो आप इसको अपने CA से कंसल्ट करके 2 ईयर्स की जो ITR है वो भी बनवा सकते हैं। ये बड़ी ईजिली बन जाती है। इसके लिए आपके पास सिर्फ पैन कार्ड होना ज़रूरी है। तो जिनके पास पैन कार्ड है और ITR नहीं है वो अपने CA से नज़दीकी कंसल्ट कर लें और अपनी 2 साल की ITR भरवा कर टर्की डॉक्यूमेंट जो है वो बनवा सकते हैं टर्की वीज़ा के लिए। सो उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फ़ोटो की स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें 2.5 इंचज़ की एक चौड़ी फ़ोटो जो होती है वो टर्की वीज़े के लिए इस्तेमाल होती है। फ़ोटो स्पेसिफिकेशन है वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और एक नई खिंचवाई हुई फ़ोटो जो है वो टर्की वीज़ा के लिए आपको देनी है। फर्दर अगर डॉक्यूमेंटेशन को कंटिन्यू करें तो इसके अंदर एक ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो 30,000 यूरो का, यानी कि अप्रॉक्स अगर उसकी हम कीमत देखें तो वो 500 से 700 रुपये का हो जाता है। 30,000 यूरो का जो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है तो वो आप ज़रूर बनवा लें। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है ये आप कहीं पे भी अगर जा रहे हैं विदेश घूमने के लिए तो ये इंश्योरेंस आप हर वक्त करवा के जाइए। खुदा ना खास्ता किसी को मेडिकल इलनेस हो जाती है तो ये इंश्योरेंस वैसे भी आपके बहुत काम आता है। 30,000 जो यूरो का इंश्योरेंस जो है ये साथ में लगाना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये 30,000 यूरो का ट्रैवल इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करवा देंगी। इसमें अपनी आइटनरी जो है ट्रैवल आइटनरी वो आप ज़रूर लगाइए, अपना प्रोग्राम बताइए। जैसे कि आप 5 नाइट या 6 डेज के लिए टर्की घूमने के लिए जा रहे हैं, जैसे उनका बहुत बड़ा एक शहर है इस्तांबुल, अगर आप इस्तांबुल घूमने के लिए जा रहे हैं तो उसमें 5 नाइट 6 डेज की एक अपनी ट्रैवल आइटनरी जो है ज़रूर उसमें लगाइए अपनी डे वाइज की। अगर आपको डे वाइज आइटनरी की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर मेरा स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगर तो आपकी अपनी फर्म है, जैसे कि जो बिजनेसमैन है वो अपनी कंपनी के लेटर हेड पर कवर लेटर बना के देंगे, और जो बंदे जॉब वगैरह करते हैं वो एक प्लेन पर पेपर पर अपना सारा पर्पज ऑफ विजिट टर्की कि आप टर्की किस लिए जा रहे हैं तो वो आप चीज़ें जो है वो उस पे कवर लेटर पर सब मेंशन करेंगे। डम्मी एयर टिकट जिसमें आपकी जाने की डेट हो और वापसी की डेट हो, वो किसी भी एयरलाइंस की आप डम्मी टिकट जरूर अपना लगाइए ताकि जो वीज़ा काउंसलर है उसको पता लग जाए कि आप किस डेट से किस डेट तक वहाँ पर जा रहे हैं। तो एयर टिकट भी जो है वो बड़ी इजीली से आपकी बन जाती है डम्मी टिकट। बैंक स्टेटमेंट लगाने के लिए आप ध्यान रखें 3 से 6 महीने की जो है आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो लगाएं, जिसमें मिनिमम आप 2 से 2.5 लाख जरूर उसके अंदर रखें ताकि टर्की आपका घूमने का खर्चा है वो आपका सारा कवर हो जाए। जो आपका लिक्विड एसेट्स आपके बैंक में पैसे हैं तो उसमें आप काउंसलर को बता सको कि ये हमारा जो खर्चा है वो हमारे पास ऑलरेडी लिक्विड एसेट्स बैंक में है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो अपना GST का जो सर्टिफिकेट होता है वो ज़रूर अटैच कर दें
उसके बाद अगर आपके पास MSME का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप साथ में लगा सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, वो लोग 3 से 6 महीने की जो सैलरी स्लिप है वो अपनी वीजा अपनी फाइल के अंदर अटैच करके दे सकते हैं कि हाई कमीशन के द्वारा गेटवे ग्लोबल को इसमें सारा जिम्मा दिया हुआ है डॉक्यूमेंट आपके बिहाफ पर कलेक्ट करने के लिए। वो गेटवे ग्लोबल है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। आप गेटवे ग्लोबल की वेबसाइट पर जाके सारी डिटेल जो है वीजा की और जो डॉक्यूमेंट है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, जो गेटवे ग्लोबल है वो नॉर्थ साइड पे अभी सिर्फ न्यू दिल्ली से ऑपरेट कर रहा है। इसके अंदर जो अपॉइंटमेंट लेने का सिस्टम है वो आपको गेटवे ग्लोबल को या तो कॉल करके उनकी ईमेल आईडी पर अपनी पासपोर्ट डिटेल सारी डालनी होगी, उसके बाद ही आप जो न्यू दिल्ली का गेटवे ग्लोबल का ऑफिस है वहाँ की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। जिस दिन आपको जाना होगा अपनी फाइल सबमिट करने के लिए, तो ये बड़ा इजीली सा प्रोसेस है। और टर्की अभी जो है वो लगभग 2 साल का वीज़ा इंडियन पासपोर्ट को इशू कर रहा है, बहुत सारे वीज़े ऑलरेडी लग कर आए हैं। टर्की वीज़े का बेनिफिट है जिन लोगों ने विदेश जाकर रहना है, तो मैं उनको एक चीज़ बताऊंगा कि टर्की की जो TRC है वो वहाँ पे जो लॉयर हैं वो टर्की की TRC जो है वो वहाँ पर बनवा देते हैं, जिसके बाद वहाँ से एक बार ही अगर बंदा पहुँच जाए तो आपके पास 10 रास्ते वहाँ से शेनेगन जाने के भी निकल जाते हैं लीगल वे में। तो आप अगर एक बार ही टर्की पहुँच जाते हैं तो वहाँ से आपका शेनेगन मूव होने का भी जो सपना है वो ईजिली आप जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ऐसे ही इन तरीक़ों से ही शेनेगन पहुँच जाते हैं। और TRC वहाँ पर जो लॉयर हैं वो आप हायर कर सकते हैं अपनी TRC बनवाने के लिए। अगर आपका भी मन है टर्की घूमने का या किसी और पर्पज़ से आप विदेश जाना चाहते हैं, तो टर्की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इस टाइम दे रहा है। 2 साल के लिए आपको वैलिड वीज़ा देगा। मल्टीपल या सिंगल एंट्री लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एंट्री लेना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। और अगर कोई वीज़ा से रिलेटेड और भी आपकी कोई क्वेरी है किसी और कंट्रीज़ के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रैवल वर्ल्ड हेल्पलाइन।